फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमें स्पेशली वीडियो लेके आए, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। और ये हमारी मॉडल है सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन में प्रीमियम प्लस 2020 एडवांस न्यू फंक्शन की मशीन है, जो लेटेस्ट फीचर्स 2020 के मशीन के अंदर डाले हुए हैं। हमने मशीन की वीडियो पहले भी बहुत सारी बनाई हुई है आपके सामने, हमारे यूट्यूब चैनल में अपडेट भी की है। आप व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने हमारी वीडियोस को देखी भी हुई है, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट कुछ लेके आए कि हम इसके अंदर मशीन को ओपन करके उसमें हमारी मशीन में क्या खासियत है और दूसरी जो मार्केट में मशीन मिल रही है उसमें क्या फैसिलिटी और हमारी मशीन में क्या अपग्रेड है, उससे क्या अपग्रेड हमारी मशीन में है, वो हम आज आपको पूरी मशीन ओपन करके उसका कंप्रेसर कौन सा सिस्टम का है, कैसी क्वालिटी है, क्या फंक्शन है, हर एक जानकारी वीडियो में देंगे दोस्तों। तो आप ये वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी कि हमारी प्रीमियम प्लस 2020 की मशीन क्यों सबसे एडवांटेज है, क्यों सबसे अच्छी मशीन है और बेस्ट क्वालिटी की है, क्यों सबसे बेस्ट क्वालिटी आइसक्रीम निकालती हो और उसमें क्या क्या खासियत है। तो हम ये वीडियो में पूरी आपको एंड से लेकर जेट तक की पूरी डिटेल्स देंगे कि हम इसमें कौन सा पार्ट्स लगाते हैं, क्या क्वालिटी है, कि एक घंटे में कितनी आइसक्रीम निकालती है, वन शॉट में कितनी आइसक्रीम निकालती है, मशीन के अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है, पूरे वीडियो के अंदर हम आपको हर एक डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले हमारी मशीन है डॉल्फिन ब्रांड की प्रीमियम प्लस मॉडल 2020 की एडवांस फंक्शन मशीन है, जो आप देख सकते हो आपके सामने भी पूरी स्टार्ट है मशीन। उसके सामने एक हमने दूसरी भी मशीन रखी हुई है जो लो फंक्शन वाली है, लो क्वालिटी वाली मशीन है। इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या है बिटवीन दोनों के बीच में, क्या अप है क्या लो है एक दूसरे के बीच में, वो हम आपको ये वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले हमारी जो डॉल्फिन ब्रांड की मशीन है ये पूरी, इसके अंदर हमने यहाँ पे पूरी टच डिस्प्ले और हाईलाइट लुक दिया गया, आप देख सकते हो पूरा ये पूरा टोटली टच पैड डिस्प्ले दिया गया है, पूरा एडवांस फीचर और एडवांस फंक्शन इसके अंदर डिस्प्ले में दिया गया है हमने, आप देख सकते हो पूरा। और यहाँ पे हर एक फंक्शन आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो, अगर आपको मशीन वॉश करनी है तो यहाँ से इसको वॉश कर सकते हो, वॉश का बटन आप दबाएंगे मशीन स्टार्ट हो जाएंगी। और वॉश कौन सा करना है आपको, इजी क्लीन करना है, डीप क्लीन करना है। इजी क्लीन मतलब जब मशीन फ्रेश होती है तब करो, डीप क्लीन तब करो जब आप मशीन के अंदर कोई मिल्की आइटम होता है तब डीप क्लीन करो, तब डीप क्लीन का बटन आता है। और यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन आता है डीप क्लीन कैसे करना है, उसकी सब जानकारी इसके अंदर आती है, जिससे आप इजीली गाइड हो सकते हैं दोस्तों। दूसरा हम आपको फंक्शन बताएंगे इसके, यहाँ पे अभी हम इसको पुश कर देंगे। दूसरा फंक्शन हमारे यहाँ पे फ्रिज का है, ये फ्रिज मतलब जब आप मटेरियल इसके अंदर डालते हो, जब मिल्क आ रहे 4 लीटर मिल्क, 1 किलो आइसक्रीम का पाउडर मिल्क के इसके अंदर मिक्स करके अलर्ट ये बाउल में डालते हैं आप, ये दोनों बाउल है, इसके अंदर आप जब मटेरियल डालते हो इसके अंदर, तो आपको ये फ्रिज का बटन दबाना है। जैसे ही आप फ्रिज का बटन दबाएंगे उसका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और कितना परसेंट आइसक्रीम बन रहा है ये आपको डिस्प्ले में पूरा दिखाएगा कि आपका आइसक्रीम अभी कितना रेडी है, मशीन के अंदर कितना टेम्परेचर है। 31 का टेम्परेचर है जहाँ पे आइसक्रीम बनता है उसका, ये 14 का टेम्परेचर है जहाँ पे ये ऊपर का होपर बाउल है जहाँ तुम्हारा मटेरियल रहता है उसका टेम्परेचर है। और यहाँ पे पूरा रेशियो बताता है इसके अंदर कि कितना परसेंट आपका आइसक्रीम, जब आपकी आइसक्रीम 100% रेडी हो जाएगी तब दोस्तों ये पूरा कोन फुल हो जाएगा और यहाँ पे सेपरेट 100% हो जाएगा। इसको एक बार पुश करने से आपको बताएंगे मशीन में से कितना कोन निकला है क्या नहीं, हर एक जानकारी देंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, यहाँ पे एक बार पुश करने से हर एक फंक्शन इसका बताएगा, RPM कितना है, शिफ्ट कितना है, साइकिल टाइम, वोल्टेज कितना ऊपर से आ रहा है, कितना पीस निकाला है इसके अंदर से, अभी कितना कौन निकाला है आप देख सकते हैं, 45-46 कौन निकाले है आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिंग है, यहाँ पे डेट तारीख टाइम सब दिखा गया है, क्या डेट है क्या टाइम है सब डिटेल है इसके अंदर। 13/6/2020 का टाइम है यहाँ पे। अभी हम इसको थोड़ा पुश कर देंगे, आगे का फंक्शन आपको बताएंगे। ये मॉडल यहाँ पे कीप फ्रेश है, कीप प्रेस मतलब आपको नाइट मोड पे अगर मटेरियल बचा है या नाइट मोड पे रखना है तो ये बटन दबा के आप नाइट मोड में जा सकते हो, ऐसे ये सेफ्ट करके आप जा सकते हो, ऑटोमेटिक जो आपका मटेरियल है वो खराब नहीं होगा, पूरी रात में आपका मटेरियल खराब नहीं होगा, इसी ये नाइट मोड है। इसको भी हम बैक चले जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्ले है, अगर आपको आप पता नहीं है आइसक्रीम कैसे बनाना है, कैसे मशीन ऑपरेट नहीं करनी, आपको मालूम नहीं है, तो ये प्ले के बटन में जाके आप हर एक फंक्शन जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन है, हाउ टू मेक आइसक्रीम कैसे बनाना है, तो अंदर जाएंगे हाउ टू मेक आइसक्रीम, इसका हर एक फंक्शन इसके अंदर है, कितना लीटर दूध यूज करना है, कितना मटेरियल डालना है, ये सब फंक्शन इसके अंदर है। इससे बैक चले जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग कैसे करना है, अगर आपको सेट करना नहीं आता तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ये सेट का बटन दबाना है, इसके अंदर पासवर्ड लगाना है आपको, हम आपको पासवर्ड देंगे, वो पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपको जैसा सेट करना है, वाईफाई सेटिंग है, पेटीएम से पेमेंट लेना है, वीचैट से पेमेंट लेना है, आप जैसे भी लें पेमेंट लेना है, आप इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना बार कोड डाल के सेट कर सकते हो।
उसके बाद मिक्स इंटीग्रेट मटेरियल कैसे बनाना है, यहाँ पे फॉर्मूला है कैसे उसका फॉर्मूला बना, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप डिस्प्ले के अंदर जाके चेक कर सकते हो, उसके अंदर मशीन में क्या क्या स्पेयर पार्ट आता है, क्या क्या चीज़ आता है, उसके लिए आपको बाहर आउटर इंटीग्रेंट से यहाँ पे मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस का बटन है, यहाँ पे हाउ टू क्लीन मशीन, मशीन को कैसे वॉश करना है आपको उसकी जानकारी मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, ये देखो ये सब जानकारी इसके अंदर मिलती है कैसे उसको वॉश करना है, ये इसका स्पेयर पार्ट है टोटली मशीन के अंदर, जो स्पेयर पार्ट आता है उसका बीटर से, इसके अंदर के हैंडल से, इसका हेड है पूरा, ये सब डिटेल्स का जानकारी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर है मशीन ट्रबल, कल सुबह मशीन में कोई फॉल्ट आई तो उसको सोल्व कैसे करना है, तो ये मशीन आपको खुद ब खुद बताएगी। आप देखिए चेक द सेंसर रेट एंड लाइट ऑन द नॉर्मल, हर एक जानकारी इसके अंदर है, सब मशीन का कैसा कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम आता है तो इसको सोल्व कैसे करना है, ये जानकारी सब इसके अंदर रहती है, आप देख सकते हैं पूरा। अभी हम बार मेन फंक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग करना है, अगर आपको आइसक्रीम में हार्डनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, एयर ज़्यादा फील करना है, कम फील करना है, तो इसके अंदर आप पासवर्ड डाल के सेट कर सकते हो। अगर काउंटिंग आज आपने का रोज़ पाँच सुबह से लेकर शाम तक 1000 कौन बेची है तो उसको काउंट को 00 करना है, तो हम इसका पासवर्ड देंगे 121015, इसका पासवर्ड है। अब देखिए यहाँ पे इसका 7 नंबर की हार्डनेस है, कितना परसेंट एयर फिल करना है, अगर ज़्यादा करना है तो इसको आप 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, मैक्सिमम 12 तक कर सकते हो, कम करना है तो ये 3-4 तक इनफ रहता है, ये मैक्सिमम इनफ 3 या 4 तक इनफ है, बट आपको अप डाउन करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट फेज में अपने जाएंगे, यहाँ पे कौन आउटलेट है, अभी प्रेजेंट कौन 46 है, अगर इसको हमने 0-0 करना है तो नंबर ऑफ कॉप रीसेट, ये नंबर ऑफ कॉप रीसेट से 0-0 हो जाएगा चीज़, ये बेक आ जाना है अपने को। अभी इसका हमने आपको जो डिस्प्ले का जो फंक्शन है दोस्तों वो पूरा हमने इजीली आपको ऑपरेटली सिस्टम बता दिया, मशीन में कैसे आइसक्रीम बनाना है, मशीन को वॉश कैसे करना है, साफ सुफ कैसे करना है, हर एक जानकारी डिस्प्ले के अंदर हमने दी गई है, टोटली फंक्शन इजी इसके अंदर स्टेटअप दिया गया है, इसके अंदर आइसक्रीम में कितना परसेंट एयर फिल करना है, कितना परसेंट है इसके अंदर, और हार्डनेस कितना बनाना है, सॉफ्टनेस कितना रखना है, वो हर एक आप इसके अंदर से मॉडिफाई कर सकते हो आपके लोकल एरिया लोकल टेम्परेचर के सिस्टम के हिसाब से दोस्तों। दूसरे नंबर में पूरी मशीन की बॉडी स्टेनलेस स्टील की रहती है पूरी, आप देख सकते हो पूरी स्टील की बॉडी है, प्लस यहाँ पे हमने कॉर्न होल्डर लगाए गए, 2 कॉर्न होल्डर है, आप इजीली कॉर्न होल्डर कैप कर सकते हो उसके अंदर। तीसरे नंबर में हमने इसके अलग अलग शेप डिजाइन दिए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग अलग शेप है, टोटल 10 तरीके के शेप हमने दिए गए इसके अंदर, आप देखिए पूरा, ये दूसरे मेरे हाथ में नहीं आते, बाकी जितने आते हैं उतने मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ये शेप है पूरे इसके, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे डिजाइन का आपको आइसक्रीम निकालना है ऐसा डिजाइन का आप इसके अंदर शेप फिल कर सकते हो। ये शेप फिल करने के लिए पूरा इजी सिस्टम है, यहाँ पे जो पुराना शेप है ये निकाल देना है आपको, ये पुराना शेप है इसको ऐसे करके निकल जाएगा पूरा, नया शेप अगर आपको जाली वाला स्टार वाला डालना है शेप तो यहाँ पे जाली वाला ये ग्रिप के अंदर आप फिट कर सकते हो, ये फिट हो चुका है पूरा इजी, 1 सेकेंड के अंदर आप शेप फिट कर पाएंगे। दूसरे नंबर में दोस्तों हम आज आपको इसका कूलिंग सिस्टम बताएंगे कि वो दूसरी मशीनों में कैसी सिस्टम आती है, हमारी मशीन में कैसी सिस्टम आती है। अभी ये मशीन का हम आपको दिखाएंगे इसमें कूलिंग सिस्टम क्या है, ये देखिए यहाँ पे इसका फंक्शन है मशीन का, ये नॉर्मल सिस्टम बोल रहता है इसका, ये कंडेंसर है, ये बॉटल कंप्रेसर है, जो घर के एयर कंडीशन में कंप्रेसर लगाते वैसा कंप्रेसर लगा रहता है, जो खाली ठंडा पवन देने में काम आता है, ओनली ठंडी एयर काम करता है, जो एयर कंडीशन रहता है उसका काम रहता है ठंडा एयर देना, पवन देना, जिसको आइस बनाना आइसक्रीम बनाना उसका पिकअप का कोले क्वांटिटी नहीं रहता है। और यहाँ पे इसका रोड देखिए कंडेंसर का, 1 रोड का है ये, रोड 1 रोड का है, और फैन देखिए इसका, ये फैन है, ये 1 रोड का है। अभी वही हिसाब से हम आपको ये हमारी जो प्रीमियम प्लस मशीन है उसमें उसकी आपको कंप्रेसर सिस्टम दिखाएंगे, हो जा भाई, ये आप देख सकते हो पूरी मशीन, यहाँ पे हमने कंप्रेसर लगाया है, आप देख सकते हो पूरा हिम्बर्को कंपनी का 1.5 HP का कंप्रेसर है इसके अंदर, ये दूसरा छोटा कंप्रेसर है जो प्री कूलिंग नाइट मोड में काम करता है, ऊपर का जो मटेरियल अपने डालते हैं इसको ठंडा करता है, ये बड़ा कंप्रेसर है 1.5 HP हिम्बर्को का, यहाँ पे इसका कंडेंसर डाला हुआ है, ये छोटा कंडेंसर है ये छोटे कंप्रेसर का, ये बड़ा कंप्रेसर हम आपको दिखाएंगे अभी इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा 14-14-4 का कंडेंसर, और यहाँ पे 3 लाइन है, वहां पे आपको 1 लाइन दिखाई थी, ये 1-2-3 लाइन है, 1-2-3 लाइन, आप देख सकते हैं तीनों 3 लाइन देख सकते हैं यहाँ पे,
14 3 14 इंच चौड़ाई, चौड़ाई इंच हाइट है और 3 करोड़ है इसका। इसका ओवर लुक बताएंगे, ये पूरा देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे इंसुलेशन पैक है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा। इसका क्वालिटी फंक्शन देखिए पूरा आप मशीन का, ये पूरा ये साइड का लुक देखिए आप पूरा। ये तो हमारी डेमो की मशीन है, हम कस्टमर को डेमो देते हैं इसलिए थोड़ा डस्ट है थोड़ा इसके अंदर, बाकी न्यू मशीन पूरी फ्रेश टू फ्रेश पैक आएगी। और इसका कंडेंसर सिस्टम देखिए, यहाँ पे इम्बर्को कंपनी का हमने एक सर्किट भी डाला हुआ है जो कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं होने देता है, और यहाँ पे एक फिल्टर डाला हुआ है जो क्लीन गैस करके इंस्टेंट कूलिंग देता है, विद इन 4 मिनट के अंदर पूरा जमा देता है आइस, पूरा बर्फ बना उसका आइसक्रीम बना देता है, ये पूरा फिल्टर सिस्टम है इसका। यहाँ पे पूरा इंसुलेशन पैक आप देखिए, इसका इंसुलेशन क्वालिटी देखिए। अगर आपकी वहाँ पे शॉप पे बिजली लाइट चला भी जाता है तो 7 से 8 घंटे तक आपका मटेरियल ठंडा रहता है, दूध खराब नहीं होता इसका। ये पूरा इंसुलेशन पैक है, वही हिसाब से आप ये मशीन का इंसुलेशन देखिए, यहाँ पे इंसुलेशन देखिए इसका, जिसमें आपको 1.5-2 घंटे के अंदर आपका मटेरियल फट जाएगा, खराब हो जाएगा इसका, दूध आपका जो रहेगा फट जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले पूरा सिस्टम एक एडिशनल डाला हुआ है, ये पूरा बोर्ड है ना जो बॉक्स है पूरा, वो पूरा एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये बाकी कोई मशीनों में ये गार्ड नहीं रहता है इसके अंदर, ये पूरा सिक्योरिटी हमने इसके अंदर डाला है। ये सिक्योरिटी का क्या काम करता है उसका मैं आपको थोड़ा गाइडेंस देता हूँ। सिक्योरिटी होने का कारण ये है कि कल सुबह बाई चांस अगर आपने पावर दिया गया और कल सुबह बाई चांस आपके वोल्टेज बढ़ जाते हैं 280-300 वोल्टेज आ जाता है, तो ये मशीन में होता है कि 280 से ऊपर जाता है इसलिए मशीन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है, मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और डिस्प्ले इसका जो यहाँ पे हमने टच डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पे एरर आ जाएगा कि हाई वोल्टेज के हिसाब से मशीन आपकी स्टॉप हो चुकी है। वही हिसाब से ये मशीन में अगर हाई वोल्टेज पावर आ जाएगा तो उसका कंप्रेसर खराब हो जाएगा, सीधा लोड कंप्रेसर के ऊपर आ जाएगा, जिसके हिसाब से कंप्रेसर डायरेक्टली खराब हो जाता है। दूसरे नंबर में कल सुबह इसमें आपका अगर मटेरियल कम हो गया, जैसे कि मशीन के अंदर 10-15 कोनी बची, आपको मालूम है नहीं कि ऊपर मटेरियल कितना पड़ा है, तो 10-15 कोनी बची है तो ऑटोमेटिक मशीन अलर्ट करेगी, अलर्ट मतलब आपको साइरन देगी कि लो मिक्स अलर्ट, मटेरियल कम होने आ रहा है इसके अंदर। इसलिए आपको फिर भी अगर आप ध्यान नहीं देते हो, कोई बंदा बैठा है फिर भी ध्यान नहीं देता है, तो जब लास्ट में आखिरी में 5 कोन जब पड़े रहते हैं तब ऑटोमेटिक मशीन स्टॉप हो जाती है। और डिस्प्ले पे ऊपर मेंशन लिखा हुआ आता है कि लो मिक्स अलर्ट, मटेरियल कम होने की वजह से आपकी मशीन स्टॉप हो चुकी है, जिससे मशीन डैमेज नहीं होती। अगर विदाउट मटेरियल पे कोई भी मशीन चलेगी, ये मशीन होगी या ये मशीन होगी, अंदर मशीन पूरा डैमेज हो जाएगा इसका, अंदर जो सिलेंडर पूरा रहता है जिसके अंदर बीटर घूमता है वो पूरा ब्रेक हो जाएगा, फट जो हो जाएगा, क्योंकि अंदर मटेरियल नहीं होने की वजह से अंदर आइस जमती है, जिसके हिसाब से आपके मशीन में फॉल्ट आ सकता है। तो ये चीज के अंदर, ये मशीन के अंदर पूरा हमने सिक्योरिटी अलर्ट दे दिया है, कल सुबह मोटर इसका हीटिंग हो रहा है, बेल्ट लूज हो गया इसका, तो ऑटोमेटिक मशीन स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा बेल्ट लूज है, मोटर हीट हो रही है, जो भी दिक्कत आएगी इसके अंदर डिस्प्ले में शो करेगी इसके अंदर। इसलिए पूरी हमने इसके अंदर टोटली एडवांस फीचर, आज की तारीख का जो नया फीचर एडवांस फीचर है, टोटली सिस्टम ये मशीन के अंदर अपडेट किया हुआ है, अपग्रेड किया हुआ है इसके अंदर, हर एक चीज इसके अंदर डाला हुआ है। और दोस्तों हम थोड़ा इसको आपको मटेरियल के बारे में बता देते हैं, जो इसका रेसिपी रहता है मटेरियल कैसे बनाना है इसका। इसका मटेरियल आपको हम मशीन पूरे इंडिया में, आप अगर ऑर्डर करते हैं हमारे को तो हम पूरे इंडिया में फ्री डिलीवरी करते हैं, कोई भी आपका लोकेशन है वहाँ पे डोर डिलीवरी फ्री, ट्रांसपोर्ट का ब्रांच तक की डिलीवरी आपको फ्री में मिलती है। और मशीन के साथ हम आपको 10 किलो आइसक्रीम का पाउडर है, इसका स्टेबिलाइजर है, फ्लेवर मिक्सचर मशीन है, वो सब अटैचमेंट साथ में देते हैं आपको। मटेरियल बनाने की रेसिपी है, 4 लीटर मिल्क में 1 किलो पाउडर डालना है आपको, 4 लीटर मिल्क 1 किलो पाउडर, और मिक्स करके ऊपर के बाउल में आपको दोनों फ्लेवर में डाल देना है, दोनों का 4-4 लीटर बना के डाल देना है आपको। इसके अंदर से आपको 105 से 110 का कौन का क्वांटिटी निकलेगा इसके अंदर से, आप अपने हिसाब से उसको हिसाब भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एक कौन बनाने का खर्चा आपको कितने का गिरेगा। आपके लोकल एरिया में जो रेट का मिल्क है, जो रेट का पाउडर मिलता है, वो इसका कैलकुलेशन करके 105 या 110 का कॉस्टिंग को डिवाइड करके आप अपना कैलकुलेशन के एक कौन अपने का कॉस्टिंग कितने का गिरता है। वही सेम फॉर्मूला, जैसे 4 लीटर मिल्क 1 किलो पाउडर, ये सेम फॉर्मूला ये मशीन के अगर अंदर डालते हैं आप,
तो आपको 75 टू 80 कोनी निकलता है, क्योंकि उसमें नॉर्मल एयर पंप है, इसके अंदर हमने डिजिटल एयर पंप सिस्टम डाला है जिससे मैक्सिमम आइसक्रीम में एयर फिल करके उसको स्मूथ और क्रीमी बनाता है, जिसके हिसाब से क्वालिटी आइसक्रीम का टेस्ट ही एकदम नेचुरल होता है और अपने को रेट भी कॉस्टिंग डाउन गिरता है। मैक्सिमम 4.5 से 5 रुपये हमने जो कैलकुलेट आज तक किया है उसमें 4.5 से 5 रुपये का कॉस्टिंग गिरता है एक कोन का, तो वो हिसाब से हमने हर एक फंक्शन इसके अंदर इजीली कर दिए। और दूसरे नंबर में दोस्तों इसका जो हैंडल रहता है ऑटो रिमूव नहीं रहता है, एक बार आपने दबाने के बाद यहाँ पे खड़ा रह गया, ये आप देख सकते हैं पूरा, ये आपको ऊपर उठाना पड़ेगा इसको, ऐसे करके उठाना पड़ेगा इसको, वही हिसाब से ये मशीन के अंदर आप निकालने के बाद ऑटो रिमूव है, ये आपने निकाला छोड़ दिया ऑटो रिमूव हो जाएगा। आप देखिए एक बार दबाना है छोड़ देना है आपको। मशीन के साथ इसका आपको मैनुअल बुक भी आएगा साथ में, इसका एक बॉक्स आता है, इसमें उसका वॉरिंग है, वाइसर है, कीट है, पूरा हम साथ में थोड़ा सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं, बाय चांस इसके अंदर कुछ होता नहीं है बट इमरजेंसी के लिए हम आपको इसका स्पेयर पार्ट भी साथ में देते हैं। इसका वॉरिंग है, वाइसर है, कीट है, पूरा इसका बैग है, आपको ये पूरा बैग मशीन के साथ में मिलेगा, आप देख सकते हैं पूरा। इसका एक ग्रीसिंग का ट्यूब भी हम देते हैं, कल सुबह को ये हैंडल या कुछ भी हार्ड हो जाता है 6-7-8 महीने में कभी भी, तो आप इसको खोल के इसको क्लीन करना है, और इसका क्लीनिंग का भी वीडियो हम आपको यूट्यूब में हमारे है, हम आपको उसका लिंक भी भेज सकते हैं इसका। तो दोस्तों हमने आपको आज ये हमारी मशीन और मार्केट में जो मशीन मिलती है उसकी खासियत और दोनों की हिसाब से डिवाइड करके बताया हमने। मार्केट में आप कोई भी कंपनी आपको ऐसे ओपन करके नहीं बताएंगे कैसे उसका बॉडी ओपन करके कि इसमें हम क्या सामान लगाते हैं, कौन सा कंप्रेसर लगाते हैं, क्या कंडेंसर लगाते हैं, क्या फैन लगाते हैं, मशीन में क्या फीचर है, क्या हर एक हम तो पूरा ओपन करके कस्टमर को बताते हैं कि हम इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या इसके अंदर हम डालते हैं, क्यों क्वालिटी अप है। और ये मशीन में हमने हैवी कंप्रेसर डाला है जिसकी वजह से आप कंटिन्यू 1 घंटे के अंदर 350 से 400 कोन या कप निकाल सकते हो मशीन में, और वन शॉट में आप 40 से 50 कोन निकाल सकते हो। अगर आपके वहाँ कस्टमर की भीड़ लग जाती है एक साथ लाइन 15-20-45 कस्टमर एक साथ आ जाता है तो आप एक साथ उसको 40 से 50 कोन एक ही साथ में दे सकते हो, उतना इसका कैपेसिटी है। जैसे ये मशीन का 5-7 कोन निकालने के बाद फिर 4-5 मिनट वेट करो, फिर 5-7 कोन निकालने के बाद फिर 4-5 मिनट वेट करो, तो उतना बैकअप नहीं है उसका, कूलिंग बैकअप नहीं होता है, कंप्रेसर उतना हैवीली काम नहीं करता है, उसको वेट जमाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है उसके अंदर। तो दोस्तों आपको हमने इसके अंदर पूरी डिटेल पूरी जानकारी हर एक चीज़ दे दी है दोस्तों, अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी क्या प्राइस है कैसे मिलती है हर एक जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नंबर है 9638234133, दूसरा नंबर है 7575050675, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने ये मशीन की पूरी जानकारी दी गई है, इसका कितना वेट है, क्या मशीन की साइज है, किस क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा पैकिंग है, कितना वजन है, हर एक जानकारी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लीजिए, जो भी आपको डिटेल चाहिए वो बहुत सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको ज़्यादा डिटेल्स नोटिफिकेशन जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।